हेलो फ्रेंड्स, एक और मेरे पास एक जूम है, ये भी कल तो क्लियर ही कराना है। इसमें देखते हैं क्या क्या फॉल्ट निकलता है। पहले इसमें करते हैं यूपी। हाँ फ्रेंड, इसको साइड में रखते हैं। इसको पहले बढ़िया से ब्रश से साफ करेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या फॉल्ट मिलता है। इसमें भी ट्रांजिस्टर वगैरह तो सब कुछ ठीक है। 37 आईसी वगैरह, पहले इसको ब्रश से फ्रंट साफ करते हैं, उसके बाद आप लोगों को वीडियो देते हैं। ठीक है फ्रंट साफ करते टाइम यहाँ भी बहुत सारा ड्राई सोल्डिंग चढ़ाया गया है, आपको साफ करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इसको पेट्रोल से पहले साफ करेंगे बढ़िया से। तो बस गर्दी पूरा साफ कर ले बोर्ड का। फ्रेंड, आप लोग ऐसा काम ना करें जैसे इसमें किया हुआ, थोड़ा साफ सफाई से काम करें। ठीक है फ्रेंड, बढ़िया साफ सफाई का ध्यान रखें। हम तो ही बोलेंगे आप लोगों को और काम करते हैं तो। ठीक है, देखो फ्रेंड, किसी गरीब आदमी ही रिक्शा चलाता है। बढ़िया से अगर आप काम करके देते हो, साल दो साल चलाता है तो अपना नाम ही लेता है। ठीक है, ये सब तार वगैरह रहे, यहाँ से काट के बोर्ड पर से जोड़, इस वजह से तार है, यहाँ से कट करके छील के बढ़िया से बोर्ड पर जोड़ दीजिए। देखते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट है। बोर्ड पर बहुत सा छेड़छाड़ किया हुआ लग रहा है। एंड इसमें एम्पियर का प्रॉब्लम था। ठीक है, अगला कारीगर चालू कर लिया, इसका एम्पियर नहीं ला पा रहा था। इसका फॉल्ट जानते हैं फ्रेंड, इतना इजी फॉल्ट निकला इसमें। देखिए अभी ठीक प्रॉपर, इसमें हम एक सामान नहीं डाले हैं, बस डीसी लाइन डाले, ऑटो कपलर करके शॉर्ट करके यहाँ ड्राइव वोल्ट चेक किए, उसके बाद सीरीज लाइन डाले तो मेरा लोड ले लिया। देखते एम्पियर, शायद यही चार्जर के बारे में बोल रहा था, चालू है एम्पियर नहीं है। अब इसको एम्पियर डाल के देखते हैं। देखिए फ्रेंड, एम्पियर भी आवा रहा है। पता है फ्रेंड इसका कहाँ से फॉल्ट था? ये देखिए कुछ आवाज़ कर रहा है, ये देखिए गौर से सुनिए। ये फ्रेंड पता है पीएफ ख़राब है इसका, और प्लस एम्पियर भागा हुआ था। ये देखिए गिट्ठा, यहाँ से भी हम फ्रेश करके तार दे रहे, डीसी काट लेते हैं। ये देखिए, ये गिट्ठा था जिसके कारण से एम्पियर नहीं आ रहा था। ये चिंची का आवाज़ देख लेते हैं किससे। पहले पीसीबी को हम पेट्रोल से पूरा वॉश करेंगे, साथ में इस लॉजिक कार्ड को भी, जो एकदम घिनौना जैसा लग रहा है दिखने में। ठीक है फ्रेंड, और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपको हर एक चार्जर के ऊपर वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर मिलेगा। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, तक हम वीडियो स्टॉपेज करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड इसमें पीएफ यहाँ का शॉर्ट निकला है, क्या देख सकते हैं आपको। एक फ्रेंड आप लोग को फ्लैक्स मार के दिखाते हैं। फ्रेंड मेरे पास तो मोबाइल फंसाने के लिए है नहीं, इस कारण से आप लोग को कंटिन्यू वीडियो नहीं बना सकते। फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पे जो आपका है C12, ये पीएफ शॉर्ट था। C12 देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये पीएफ शॉर्ट था यहाँ पे। और इस एमटी में भी हम बारिश डाले हैं, इसको चॉपर कहा जाता है। यहाँ पर कहीं पीएफ डैमेज हो सकता है, ये पीएफ 100% गारंटी के साथ ये पीएफ डैमेज है। ठीक है, एलईडी वगैरह सड़ गया है पानी के कारण, पीएफ ख़राब है। इसके जगह पर 104 या 102 छोटा वाला है मेरे पास, वो यहाँ पे लगा देंगे फ्रंट बोर्ड का, ऐसे ही क्लीन करके काम करें। इसमें बारिश है थोड़ा सा भी और देंगे बारिश ट्रांसफार्मर में, और ये पीएफ ख़राब तो है ही, साथ में 222 भी चेंज कर देंगे। और देखते हैं क्या डैमेज लग रहा है, और तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और उसके बाद जैसा होता है फ्रेंड आप लोगों को वीडियो देते हैं। फ्रेंड इसका आवाज़ सुनना बंद हो गया, ये देखिए फैन चालू है, ये ना कर रहा है कुछ आवाज़। ये देखिए एम्पियर, ये देखिए इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कि आप लोगों को वीडियो में साफ ही दिखा दिए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड। ठीक है, ऐसा ऐसा ही फॉल्ट के ऊपर आप लोगों को वीडियो अप देंगे, और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए आप लोगों को बोलते हैं फ्रेंड।
कि जैसे मतलब हम 2 डे कभी हुआ मन तो लगातार वीडियो डाल दिए, कभी नहीं डाल पाते, टाइम नहीं मिल पाता, आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस कारण से बोल दे सब्सक्राइब करने के लिए। और जैसे बीच बीच में हम सप्ताह में डाल रहे थे, बीच में एक मैंने वीडियो डालना बंद कर दिए थे, अभी कंटिन्यू रोज एक वीडियो हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन ऑन रखे कि आप लोग को ऐसा ऐसा हर एक फॉल्ट के ऊपर हमारा वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अगला कोई कारीगर फंस रहा है इस चार्जर के बारे में, उनको भी कुछ नॉलेज होगा, नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, अगर आपको हम नॉलेज कुछ दे रहे हैं, कुछ हमको भी कोई लोग नॉलेज देता है। ठीक है फ्रेंड, बस आज के लिए इतना ही।